गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एंड सुपर डुपर होने वाली है, क्योंकि गाइस आज आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा, आज आपको ओल्ड डॉग ब्रीड अवेलेबल हो जाएगी एक ही वीडियो के अंदर। यस गाइस एक ही प्लेस के अंदर आपको ओल्ड डॉग ब्रीड अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस क्योंकि मेरे पास गाइस बहुत सारे मैसेज एंड कमेंट आते हैं कि भाई सिज्जू लेके आइए, पमेलियन लेके आइए कम प्राइस में, एंड दशाउंड लेके आइए, डोबरमैन लेके आइए, पिटबुल लेके आइए, ग्रेट डेन लेके आइए। तो गाइस ये आपको ओल्ड डॉग ब्रीड अवेलेबल हो जाने वाली है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना, तो गाइस मैं नहीं चाहता आपको इतनी अच्छी क्वालिटी के पप्पी और इतने कम प्राइस में मिस हो। तो गाइस मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इनकी एज, प्राइस एंड लोकेशन के बारे में, तो गाइस आप वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड गाइस बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप एक डॉग परचेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारे जनों की कमेंट्स रहते हैं कि भाई हमें ये ब्रीड चाहिए वो ब्रीड चाहिए, तो गाइस आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है, वो भी एक ही प्लेस पर आपको सारी ब्रीड अवेलेबल हो जाने वाली है। तो गाइस आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और हाँ गाइस जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हर्ष आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके चैनल डॉग वर्ल्ड पे। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर शो होगा माय व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर करके, गाइस वो नंबर मेरा है, इट मींस आपके पास कोई डॉग या पपी सेलिंग के लिए है या आप उसके फ्री अडॉप्टेशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात करके उसकी एज प्राइस लोकेशन की फुल डिटेल देके वीडियो फोटोग्राफ देके आप हमारे चैनल पे एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस अब आते हैं फाइनली वीडियो के टॉपिक के ऊपर। और हाँ गाइज आपको इनके मदर एंड फादर की फोटो वीडियोज भी मिल जाएगी एंड मेटिंग वीडियो भी, तो गाइज आप कंप्लीट देखना वीडियो को। तो गाइज जो फर्स्ट डॉग ब्रीड में लेके आ चुका हूँ आपके लिए वो है पमेलियन। गाइज आप पमेलियन देख ही सकते हैं जिसे हम इंडियन स्पिट्स कहते हैं। गाइज आप इनकी क्वालिटी देख ही सकते हो, फुली शानदार फुली टॉप क्वालिटी के पमेलियन पपियां। गाइज बहुत ही डिमांड आ रही थी कि भाई पमेलियन के पपी लेके आओ, तो गाइज पमेलियन के पपी की क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, ये आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज जो इनकी एज है वो हो चुकी है 45 डेज, गाइज ये 45 डेज ओल्ड के पपी है। एंड गाइज जो उन्होंने इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 7,000 रुपए, एंड जो फीमेल की है वो की है 5,000 रुपए। गाइज बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप पमेलियन पपी परचेज करते हैं तो। एंड गाइज ये डैशन पपी है, गाइज डैशन की भी बहुत ही ज्यादा डिमांड आती है कि भाई डैशन पपी ले आओ, तो गाइज जो ओनर ने इसकी प्राइस की डिमांड की है वो भी सेम ही की है लगभग। तो गाइज जो मेल की डिमांड की है वो की है 7,500 रुपए, गाइज 7,500 रुपए, एंड जो फीमेल की डिमांड की है वो की है 5,500 रुपए, गाइज 5,500 रुपए। तो गाइज प्राइस बहुत ही जेन्युइन इनके क्वालिटी के हिसाब से शो क्वालिटी के पपी है डैशन एंड पमेलियन। और गाइज ये है शिज्जू, गाइज आप शिज्जू पपी की क्वालिटी देख ही सकते हैं, फुली ब्रिलियंट क्वालिटी के पपी हैं। गाइज लोकेशन तो मैंने आपको बताई दी है, सबकी लोकेशन आपको दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल हो जाएगी, दिल्ली में अवेलेबल हो जाएंगे, और आपको ओनर दिल्ली एनसीआर में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, आप एक बार डिलीवरी के बारे में ओनर से बात कर सकते हैं। बाकी गाइज आप शिज्जू के पप्पी की क्वालिटी देख ही सकते हैं। अगर आपके घर में छोटा स्पेस है, अगर आप ऐसी डॉग ब्रीड परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं यूनिक, तो गाइज बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि गाइज शिज्जू आपको कम लोगों पे देखने को मिलने वाले, क्योंकि जो पॉपुलर डॉग ब्रीड है वो जर्मन शेफर्ड लैब्रा ये डॉग ब्रीड है, तो गाइज आपको शिज्जू कम देखने को मिलने वाले। तो गाइज अच्छा मौका है आप एक यूनिक डॉग ब्रीड परचेज करने के बारे में सोच रहे हो। तो गाइज जो इसकी एज हो चुकी है शिज्जू की वो हो चुकी है 45 डेज, गाइज 45 डेज के पपी हो चुके हैं। तो गाइज ये है अमेरिकन बुल्ली, गाइज आपको अमेरिकन बुल्ली की क्वालिटी तो देख ली, फुली शानदार फुली हैवी बोन की अमेरिकन बुल्ली है। गाइज इसमें आपको ऑल साइज अवेलेबल हो जाएंगे, लो पॉकेट साइज, पॉकेट साइज एंड एक्सल साइज, डबल एक्सल साइज, तो गाइज ओनर से आप डिस्कस कर सकते हैं आपको जोन सा भी साइज लेना है आपको ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी डेज है 47 डेज के अमेरिकन बुल्ली हो चुके हैं। एंड गाइज लोकेशन मैंने आपको बताई दी है। एंड गाइज ये है रॉटवाइलर, गाइज रॉटवाइलर आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही अवेलेबल हो जाने वाले हैं। एंड गाइज इसकी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, एंड इनकी जो एज हो चुकी है वो हो चुकी है 44 डेज, गाइज रॉटवाइलर की 44 डेज एज हो चुकी है। तो गाइज आप गोल्डन रिट्रीवर देख ही सकते हैं, ये नेक्स्ट ब्रीड है गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर की आप क्वालिटी तो देख ही सकते हैं, फुली शानदार फुली टॉप क्वालिटी की गोल्डन रिट्रीवर है। अगर आप गाइज आपने देखा होगा गोल्डन रिट्रीवर में लाइट रंग में ज्यादा लेके आ चुका हूँ, तो गाइज ये है बहुत ही डार्क कलर में, आप इनका कलर तो देख ही सकते हो, फुली हैवी एंड डार्क रंग है इनका, आप देख ही सकते हो क्वालिटी में तो शायद ही आपको कोई कमी मिलेगी। तो गाइज इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली, एंड जो इनकी एज हो चुकी है वो हो चुकी है 47 डेज, 47 डेज ओल्ड के पपी है। एंड गाइज ये लाइट कलर में, आपको जोन सा भी कलर चाहिए आपके ओनर पे अवेलेबल हो जाएगा। गाइज मैंने आपको बता ही दिया है आपको ओल्ड डॉग ब्रीड ओल्ड कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। गाइज ये लाइट कलर में थे एंड वो डार्क कलर में थे, तो गाइज आप जिसके भी शौकीन है आपको दोनों ही कलर अवेलेबल हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों ही। तो गाइज ये है लैब्राडोर, गाइज आपको लैब्राडोर भी अवेलेबल हो जाने वाले हैं, एंड ब्लैक एंड गोल्डन कलर दोनों में ही। तो गाइज अगर आप लैब्राडोर के शौकीन है तो गाइज बहुत ही अच्छा मौका है, ये भी 48 डेज के पपी हो चुके हैं। बाकी एग्जैक्ट लोकेशन तो आप ओनर से ही पता कर सकते हैं इनकी एज।
बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनकी, फुली एक्टिव पपियां आप देख ही सकते हैं। क्योंकि गाइस मेरे पर डिमांड आती है कि ब्लैक लैब्राडोर लाइए, गोल्डन लैब्राडोर लाइए, तो गाइस ये भी आपकी कमी दूर हो चुकी है क्योंकि आपको सारी ब्रीड मिल जाने वाली है एंड ऑल कलर्स। बाकी गाइस पप्पी की क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं, फुली हैवी बोन, फुली हैवी क्वालिटी है पप्पी की। एंड गाइस जो इनकी एज हो चुकी है मैंने बता ही दिया आपको, 47 डेज ओल्ड के पप्पी हैं दोनों, ब्लैक एंड गोल्डन। एंड आपको इनके मदर फादर भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ये है लासा। यस गाइस आपने मेरे चैनल पे लासा की वीडियो नहीं देखी तो गाइस आपको लासा के शौकीन है तो गाइस ये है लासा, आपको इसमें व्हाइट कलर में और ओल्ड कलर में भी अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी मैंने इसकी वीडियो अपलोड किया है, ये भी 48 डेज की हो चुकी है, आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे लासा की भी। तो गाइस ये है मोस्ट ऑफ द पॉपुलर डॉग ब्रीड जो कि है जर्मन शेफर्ड। यस गाइस जर्मन शेफर्ड तो आप सब जानते हैं, जर्मन शेफर्ड की वीडियो तो बहुत सारी आपको मिली गई है मेरे चैनल पे। बट गाइस आपको ओनर के पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी में एंड कम प्राइस में जर्मन शेफर्ड अवेलेबल हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों ही। गाइज आपको सिंगल कोट, डबल कोट, लॉन्ग कोट तीनों ही कोट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज आप जोन से के भी शौकीन है आप वो परचेज कर सकते हैं। एंड गाइज क्वालिटी टॉप की, आप क्वालिटी देख ही सकते हैं इनकी, फुली टॉप क्वालिटी है इनकी। आपको मदर एंड फादर भी देखने को मिल जाने वाले हैं सारी पपीज के। और हाँ गाइज जो ओनर इनके प्राइस रखते हैं बहुत ही जेन्युइन रखते हैं, ये नहीं कि ज्यादा हाई रख दिए ज्यादा लो रख दिए। तो गाइज ये है बीगल, अब बीगल की क्वालिटी तो देख ही सकते हैं, फुली टॉप क्वालिटी के बीगल के पप्पी हैं। तो गाइज ये भी एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है, अगर आप एक फुली एक्टिव डॉग ब्रीड चाह रहे हो कि आपके घर में 24 घंटे खेलती रहे तो गाइज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट डॉग ब्रीड है। ये भी आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही अवेलेबल हो जाने वाले हैं, आप ओनर से बात कर सकते हैं इन डॉग्स को परचेजिंग के रिगार्डिंग। सुपर क्वालिटी गाइज इसका, आप हेड साइज एंड बोन साइज तो देख ही सकते हैं। तो गाइज ये है पग, तो गाइज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पग है ये भी, ब्लैक वो भी। गाइज ब्लैक की भी बहुत डिमांड रहती है, जेड ब्लैक की, कि भाई जेड ब्लैक पग लाओ। गाइज आपको दोनों ही कलर अवेलेबल हो जाएंगे, जेड ब्लैक एंड क्रीम। तो गाइज आप ओनर से इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, ये भी 46 डेज के पपी हो चुके हैं पग। तो गाइज ये है पावरफुल डॉग ब्रीड, लार्ज साइज की डॉग ब्रीड जो कि है रॉटवाइलर। गाइज रॉटवाइलर का तो आप सभी जानते हो, मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ, बट इसमें आपको अच्छी प्राइस के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाने वाले हैं, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो गाइज इस डॉग ब्रीड के बारे में तो हमने बात कर ही लिया, डैशेंड के बारे में, यस गाइज डैशेंड के बारे में तो हमने बात कर ही लिया एंड शिजू के बारे में भी। तो गाइज परफेक्ट क्वालिटी, आपको क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आने वाली। और हाँ गाइज जो ओनर ने इसकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस की डिमांड किया वो बहुत ही ज्यादा एवरेज किया है। तो गाइज ये मत सोचना कि बहुत ही ज्यादा प्राइस हाई होने वाले हैं, आप एक बार ओनर से कंफर्म कर सकते हैं इनके प्राइस, बाकी थोड़े बहुत नेगोशिएबल भी कर लेना प्राइस, ओनर नेगोशिएबल कर लेंगे। तो गाइज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सारी डॉग ब्रीड अवेलेबल हो जाएगी आपके पास, क्योंकि गाइस आप इनकी क्वालिटी देख ही सकते हैं, फुली टॉप क्वालिटी की पपी हैं, फुली एक्टिव हैं। तो गाइस पपी की क्वालिटी में तो आपको शायद ही कोई कमी मिलेगी। बाकी इनके मदर एंड फादर की वीडियोस भी मिलने वाली है आपको, मीटिंग वीडियो, अगर आप इनकी मदर फादर की वीडियो चाहते हैं तो गाइस आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस जितने भी ये पपी हैं, डैशेंड, पमेलियन एंड शिजू, डोबरमैन, बॉक्सर, गाइस ये आपको सारी ब्रीड मिल जाएगी एंड सारी एक ही लोकेशन में मिल जाएगी। और गाइस हाँ इसमें आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही अवेलेबल हो जाने वाले हैं, ये नहीं कि आपको मेल मिल रहा है या फीमेल मिल रहा है, आपको दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे वो भी एवरेज प्राइस में। एंड आप इनकी क्वालिटी तो आपने देख ली, फुली शानदार एंड फुली टॉप क्वालिटी के पपी हैं। एंड गाइस ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओनर कॉन्टैक्ट नंबर करके आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं इन पपी को परचेजिंग के रिगार्डिंग। गाइस क्वालिटी तो आपने देख ली है। तो गाइस जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे डॉग को परचेजिंग एंड सेलिंग के ऊपर वीडियो लेके आता रहता हूँ एंड फ्री अडॉप्टेशन के ऊपर। तो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। तो गाइस ये है सैंड बर्नार्ड। गाइस आपको सैंड बर्नार्ड भी अवेलेबल हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों ही। एंड गाइस जो इनकी लोकेशन मैंने बताई थी सभी की लोकेशन आपको दिल्ली में अवेलेबल हो जाएगी। एंड गाइस जो ये 44 डेज के पपी हो चुके हैं दोनों ही, मेल एंड फीमेल। गाइस क्वालिटी आप देख सकते हैं एकदम टॉप है। तो गाइस ये है फ्रेंच मैस्टिफ। यस गाइस फ्रेंच मैस्टिफ की बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है, भाई आप इनकी आईज देख भी सकते हैं एकदम ब्लू है। तो गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्रेंच मैस्टिफ है और ये भी आपको 46 डेज का पपी हो चुका है, ये आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही अवेलेबल हो जाने वाले हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं फुली टॉप क्वालिटी का, आप इसके रिंकल देख ही सकते हैं फेस पे कितने रिंकल आते हैं। तो गाइस जो फ्रेंच मैस्टिफ की प्योरिटी का चेक करने का यही है कि आप इनके फेस पे रिंकल देख सकते हैं फुली टॉप के हैं। तो गाइस ये है गोल्डन रिट्रीवर। यस गाइस गोल्डन रिट्रीवर डार्क रंग में आप देख सकते हैं। गाइस आपको सारे पपी अवेलेबल हो जाने वाले हैं। और हाँ गाइस आपको डोबरमैन भी अवेलेबल हो जाएंगे, अमेरिकन यूरोपियन दोनों ही डोबरमैन अवेलेबल हो जाएंगे ओनर के पास, मेल एंड फीमेल बोथ, वो भी 45 डेज ओल्ड के। एंड गाइस आपको हार्ली कून भी अवेलेबल हो जाएगी जिसे हम ग्रेट डैन कहते हैं, तो ग्रेट डैन की गाइस बहुत ही ज्यादा डिमांड थी, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी मेल एंड फीमेल दोनों ही। तो गाइस बहुत ही अच्छी चीज है।
आपको ओल्ड डॉग ब्रीड एक ही वीडियो में अवेलेबल हो गई। बाकी गाइस बुल डॉग भी अवेलेबल हो जाएगा, ब्रिटिश बुल डॉग भी मिल जाएगा आपको, जोन सी भी ब्रीड है गाइस आपको सारी ब्रीड मिल जाएगी। अमेरिकन अकीता भी मिल जाएगा, अकीता भी मिल जाएगा, पिटबुल भी मिल जाएगा। तो गाइस आप बात कीजिए ओनर से, सारी ब्रीड आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि गाइस मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारी वीडियो में अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड आपने थंबनेल पर देखा ही होगा मेरे 6 या 9 थंबनेल पर मैंने पिक्चर लगाई है, क्योंकि गाइस उससे ज़्यादा मैं लगाता तो बहुत ही छोटे छोटे फोटोग्राफ्स लगाती, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा फोटोज नहीं लगाई। बाकी आपको ओल्ड डॉग ब्रीड अवेलेबल रहेगी। तो गाइस जो भी भाई इंटरेस्टेड है कोई भी ब्रीड में, तो गाइस बहुत ही अच्छा मौका, क्योंकि गाइस ओनर बहुत ही जेन्युइन प्राइस रखेंगे, आप उनसे नेगोशिएबल भी कर सकते हैं प्राइस के बारे में। तो गाइस जल्दी से जाइए, ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओनर कॉन्टैक्ट नंबर करके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं पपी को परचेजिंग के रिगार्डिंग। बाकी गाइस मेरा सजेशन तो यही रहता कि आप ओनर के होम जाके विजिट करके परचेज करें, क्योंकि गाइस वहाँ पर आपको इनकी पपी की क्वालिटी एंड इनके मदर एंड फादर की क्वालिटी को चेक करने को मिलता है। एंड ओनर से आप थोड़ी बात भी कर सकते हैं इसकी डाइट वगैरह के बारे में। तो गाइस बाकी इसमें आपको दिल्ली NCR में अवेलेबल हो जाएगी डिलीवरी, यस गाइस एक्स्ट्रा चार्ज के साथ। बाकी एक बार आप ओनर से बात कर सकते हैं डिलीवरी के बारे में। आप एक मेरा तो यही सजेशन रहता है कि आप ओनर के विजिट जाके ही परचेज करें। और हाँ गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे डॉग को परचेजिंग एंड सेलिंग के ऊपर वीडियो लेकर आता रहूँगा एंड फिर एडोप्टेशन के ऊपर। तो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए लाल बटन दबा के, और उसके साइड में एक बेल आइकन आता है उसको भी दबा के ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। और हाँ गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं यूट्यूब पर 3 से 4 वीडियो से ज़्यादा अपलोड कर पाऊँ। तो गाइस जो वीडियो रह जाती है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी ओल्ड डॉग ब्रीड के साथ एंड ओल्ड डिटेल के साथ, ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल करके, आप जाके डायरेक्टली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इतनी बड़ी वीडियो में। तो गाइस आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इतनी लंबी वीडियो अच्छी थी या नहीं थी। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। अब मिलते किसी और वीडियो में किसी और डॉग ब्रीड के साथ। और हाँ गाइस, लास्ट चीज़ और बताता हूँ आपको, और ये सारी ब्रीड दिल्ली में अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस बहुत ही अच्छा मौका है। तो गाइस अब मिलते किसी और वीडियो में किसी और डॉग ब्रीड के साथ, जब तक के लिए गाइस बाय बाय।